हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट नोटिस, जिसमें हम लोग देखेंगे जो सब्जेक्ट सिलेक्शन, जो कि गेट लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम है, उसमें जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपको लेने चाहिए और कौन कौन से नहीं लेने चाहिए, तो उसका हम लोग आज जो है डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर गेट लाइफ साइंसेस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर गेट लाइफ साइंसेस। ठीक है, जैसा मैंने बताया, गेट में लाइफ साइंसेस के लिए दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें जो जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो वो एक तो लाइफ साइंसेस में गेट दे सकते हैं या बायोटेक्नोलॉजी में दे सकते हैं या इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में भी दे सकते हैं। लेकिन आज हम बात करें कि लाइफ साइंसेस का अगर आपने जो है गेट का फॉर्म फिलअप किया है, तो उसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और जो इसका पैटर्न है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गेट का जो लाइफ साइंसेस का है, जिसे हम लोग एक्सेल बोलते हैं, ठीक है, अगर आप फॉर्म में देखेंगे तो इसमें एक्सेल बोल देखते हैं, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें एक्सेल जो है मेंशन किया होगा, ये इसका कोड है लाइफ साइंसेस का। ठीक है, तो देखिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100। ठीक है, तो आपका जो पेपर होता है गेट लाइफ साइंसेस का वो 100 मार्क्स का टोटल होता है। ठीक है, अब जो ये 100 मार्क्स है, ये डिफ्रेंशिएट होता है, डिवाइडेड होता है किसमें? एक तो आपका पोर्शन रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का, किसमें रहेगा? जनरल एप्टीट्यूड में, और दूसरा आपका रहेगा मेन सब्जेक्ट का या मेन एग्जाम। ठीक है, ठीक है, तो आपका एक रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का और आपका एक रहेगा वो मेन पेपर का रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो जनरल एप्टीट्यूड का होता है वो आपका रहता है 15 मार्क्स का, ठीक है, आउट ऑफ 100, और जो मेन पेपर आपका रहेगा वो रहेगा 85 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए, अब जो मेन पेपर है वो आपका डिवाइडेड होता है एक तो केमिस्ट्री में और दूसरा आपका कोई भी टू ऑप्शनल सब्जेक्ट में। क्लियर, तो अब देख लीजिए आपका जो मेन पेपर है वो आपका डिवाइड हो गया एक तो केमिस्ट्री में, एक डिवाइड हो गया आपका केमिस्ट्री में, ठीक है, और एक आपका हो गया वो ऑप्शनल, टू ऑप्शनल सब्जेक्ट में, टू ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्लियर, अब देखिए जैसा कि आप लोगों ने इसका ब्रोचर देखा होगा, प्रॉस्पेक्टस देखा होगा गेट का, तो आपको उसमें जो है सारा कुछ मेंशन कर रखा है, तो मैंने आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। तो देखिए जो केमिस्ट्री का आपका जो पोर्शन रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, और जो आपका टू ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मेंशन किए होंगे, मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें बॉटनी होगा, दूसरा जूलॉजी होगा, तीसरा आपका रहेगा माइक्रोबायोलॉजी, चौथा आपका रहेगा बायोकेमिस्ट्री, और जो पांचवा रहेगा वो आपका रहेगा फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपका ये जो है सब्जेक्ट जो रहेगा, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके रहेंगे ऑप्शनल में। ठीक है, अब जो ऑप्शनल के मार्क्स आपके रहेंगे वो मार्क्स आपके कितने होंगे? वो होंगे आपके मार्क्स 60, एनी टू, ठीक है, टू ऑप्शनल के आपके 60 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो 60 मार्क्स हो गए आपके ऑप्शनल के कोई भी टू सब्जेक्ट, और 25 हो गए आपके केमिस्ट्री का, और 15 हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड का, तो टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो मार्क्स हो गए 100। ठीक है, अब देखिए, अब जो पहला वाला है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको रिफ़र करूंगा, एक बुक आती है सेसारे की जनरल एप्टीट्यूड की, अगर आप उस बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो हैं इन जनरल एप्टीट्यूड में 15 जो मार्क्स हैं वो आप गेन कर सकते हैं, एटलीस्ट 15 नहीं तो आप जो हैं मिनिमम 8-10 मार्क्स जो हैं वो पा सकते हैं। ठीक, और वो डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका मेन पेपर, जो मैंने आपको बोला मेन पेपर जो कि इंक्लूडेड है केमिस्ट्री और टू ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन कितने आते हैं, तो अगर हम बात करें
केमिस्ट्री की, तो ये तो 25 मार्क्स होते हैं, ये डिवाइड होते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स, जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के आते हैं, तो टोटल यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा 1 क्वेश्चन से। दूसरा आता है 10 क्वेश्चन, और ये होते हैं 2 मार्क्स ईच, और यहाँ पे आपको मिलेगा 20 मार्क्स, क्लियर। तो यहाँ पे जो पहले आपके जो क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन वो 1 मार्क के रहेंगे, उससे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। दूसरा 10 क्वेश्चन रहेंगे वो 2 मार्क्स ईच, तो इससे आपको 20 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल आपका हो गया 25 मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टू ऑप्शनल सब्जेक्ट में, इसमें क्या होगा, अगर आप बॉटनी फॉर एग्जांपल, तो 1-2 ऑलमोस्ट में जो 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए वो आपके, वो होंगे 1 मार्क्स, तो आपको यहाँ पे हो गया 10 मार्क्स, ठीक है। रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके रहेंगे 2 मार्क्स, तो ये यहाँ पे हो गया 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया एक सब्जेक्ट से, तो आपको एक सब्जेक्ट के 30 मार्क्स मिलेगा, 30 मार्क्स फ्रॉम वन सब्जेक्ट, वन ऑप्शनल सब्जेक्ट। दूसरा आपका 30 मार्क्स मिलेगा, 30 मार्क्स फ्रॉम सेकेंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बता दिए कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ जो है कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया है। अब बात करते हैं मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन की, ठीक है, कि हमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक गेट का जो है फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो अभी तक गेट की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप गेट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि IIT बॉम्बे है उस पर जो है उसके थ्रू आप जो है अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है गेट का फॉर्म, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जनरल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि अगर जो जनरल एप्टीट्यूड या कोई भी आपको सब्जेक्ट का है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट में निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आई थिंक 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन होंगे उसमें 0.33 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग हुआ, 1 मार्क्स में आई थिंक 0.33 निगेटिव मार्किंग रहेगी, वहीं 2 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 0.66 निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप जो है क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से चूज करिए, अगर आप श्योर हैं तभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो अगर जनरल एप्टीट्यूड में आप जो है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आप जो है कंफर्म है कि ये जो इसका आंसर मेरा सही है, या आपको 70% चांस लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा सही हो सकता है, तो आप जरूर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करिए। वहीं अगर बात करें मेन पेपर में, केमिस्ट्री कंपलसरी है। अब कंपलसरी का मतलब ये नहीं कि आपको 25 मार्क्स जो है वो सारे आपको गेन करने हैं, ठीक है, मतलब आपको जो है टोटल 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे केमिस्ट्री पोर्शन में, तो आपको ये नहीं कि आपको टोटल 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप करिए, अगर नहीं आते हैं तब क्या होगा, अगर सपोज आपको नहीं केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा छोड़ दिया, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पेपर है पूरा, उसमें 25 मार्क्स आपने छोड़ दिया, तो आपको यहां पे 25 मार्क्स का ही पेपर सॉल्व करने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो 25 मार्क्स है वो पूरा चला गया, तो आपका जो भी रैंक बनेगी वो 75 से ही बनेगी, ठीक है। तो अगर आपको जस्ट क्वालिफाई करना है एग्जाम, तो आप अपने सब्जेक्ट से जो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, अगर आप उनमें से भी क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर लेंगे, तब जाके आप जो हैं गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, तब आपको केमिस्ट्री के पोर्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ जनरल एप्टीट्यूड से भी करना पड़ेगा, केमिस्ट्री से भी करना पड़ेगा, क्योंकि रैंक उन्हीं बच्चों की बनती है जो जनरल एप्टीट्यूड और जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते हैं। अगर आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप जस्ट गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको जो है कितने मार्क्स लाने होंगे, तो मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने, अगर आपको थोड़ी कुछ अच्छी रैंक चाहिए, तो मैं कहूंगा अगर आप 45 प्लस मार्क्स लाएंगे तो आप जो है गेट में कुछ अच्छी जो स्कोर है वो कर सकते हैं, और जो रैंक है वो आपकी कुछ बेहतर आएगी। अगर आप बहुत अच्छी रैंक चाहिए, टॉप 10 में आना है या टॉप 50 में आना है, तो आपको ऑलमोस्ट 55-60 मार्क्स तो ईजिली चाहिए ही होंगे। तो अब हम बात कर ले सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी है सबके लिए, केमिस्ट्री कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं टू ऑप्शनल सब्जेक्ट की,
तो देखिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी। तो मैंने जब अपना गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था तो मैंने जो है वो बॉटनी लिया था और दूसरा मैंने लिया था बायोकेमिस्ट्री। तो मैंने जो कॉम्बिनेशन लिया था वो बॉटनी का लिया था प्लस बायोकेमिस्ट्री। ये डिपेंड करता है कि आपने जो है कौन सा सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी सब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं करना पड़ता है। वहाँ पे आपको क्या करना होता है, बस आपको गेट लाइफ साइंसेज जो है वो चूज़ करना पड़ता है कि आप जो गेट का एग्जाम है वो लाइफ साइंसेज में देना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आपको तैयारी करनी है तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करिए। जैसे मैंने बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री को लेकर तैयारी की थी और उसके बाद मैंने जो है अपना जो एग्ज़ाम है उसमें बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने गेट इजीली क्वालिफाई किया। और साथ ही साथ मैंने कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और साथ ही साथ मैंने जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करने हैं। अब आपका जो भी BSc या MSc जो भी आपने सब्जेक्ट में किया है या आपको लगे जिस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हूँ तो आप उन सब्जेक्ट को लेके जो है तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि अगर सपोज आपको कुछ पोर्शन सपोज 2-3 मतलब आपने बॉटनी भी प्रिपेयर कर लिया, जूलॉजी भी कर लिया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सपोज आपने 4 सब्जेक्ट में प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जब भी आप जो गेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पे विजिबल रहेंगे। आप देख सकते हैं कि आप कौन से क्वेश्चन सब्जेक्ट के क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व कर पा रहे हैं। सपोज आपने जो बॉटनी है, बॉटनी में 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपने किया और जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें से 8 किया, तो इसमें आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इसे एज अ ऑप्शनल ले सकते हैं। आप जूलॉजी के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, अगर आपने इसमें जो है आपके नहीं जूलॉजी में अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो आप इसे छोड़ सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं तो उसे आप सेकंड ऑप्शनल ले सकते हैं। ऐसे ही आपको जो 5 सब्जेक्ट है सब में आप क्वेश्चन को देखिए और उसमें देखने के बाद आप चूज़ करिए कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो आप किस सब्जेक्ट से गेन कर पा रहे हैं, तो आप उन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आप जो हैं वो कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। ठीक है, तो ये जो आप कॉम्बिनेशन ये सब ले सकते हैं और आप जो भी कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं या जिसकी तैयारी पहले से करना चाहते हैं एग्जाम से पहले तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप बॉटनी जूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनीवे बॉटनी जूलॉजी चूज़ करना होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं। साथ ही यार मैंने आपको निगेटिव मार्किंग बता दी कि कितनी निगेटिव मार्किंग, तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन तो आपको 0.33 मार्क्स जो है वो निगेटिव हो जाएंगे, वहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.66 मार्क्स जो है आपका वो निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसलिए क्वेश्चन जो निगेटिव क्वेश्चन मोस्टली आते हैं केमिस्ट्री पोर्शन से और जनरल एप्टीट्यूड से। ठीक है, इसलिए आप जो केमिस्ट्री और जो जनरल एप्टीट्यूड है उसे थोड़ा अच्छे से करें, उसमें कोई भी चांस ना लें, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग होगी तो आपके जो रैंक है वो कम होगी और आपका मार्क्स जो है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी रैंक भी गिर जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रीफर करूँगा जनरल एप्टीट्यूड जो है, आप वो पाथ फाइंडर की बुक है जनरल एप्टीट्यूड, उससे आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें केमिस्ट्री की तो पाथ जनरल एप्टीट्यूड आप जो है पाथ फाइंडर बुक रिफर कर सकते हैं पाथ फाइंडर। अगर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री के लिए जो आप बुक है वो ले सकते हैं ओपी टंडन की 12th की बुक, ओपी टंडन, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है ओपी टंडन केमिस्ट्री की। अगर आपके पास है तो आप इससे प्रिपरेशन करिए, इससे बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चंस मोस्टली हैं इसी से फंस जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट जो है आप इस बुक से क्लियर कर सकते हैं। और केमिस्ट्री है वो 12th लेवल की ही आती है, मैक्सिमम 12th लेवल या BSc लेवल की आती है, लेकिन अगर आपने ओपी टंडन से प्रिपरेशन की है तो आई विल गिव सियोरिटी दैट यू कैन सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द केमिस्ट्री आल्सो। ठीक है, तो अगर आपको सजेस्ट गेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप जो है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल 60 मार्क्स मिलता है, अगर 60 में से आपने 40 या 45 भी कर लिया तो आपको जो है गेट वो क्लियर हो जाएगा। और एक बात और, अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, टॉप रैंकिंग में आपको आना है तो आपको कुछ क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के भी क्लियर करने पड़ेंगे, कुछ जो है केमिस्ट्री के भी करने पड़ेंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट के तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आई होप कि आप लोग जो हैं वो गेट का एग्ज़ाम जो है इजीली क्रैक कर पाएंगे और जो रैंक है वो भी आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया सब्जेक्ट सिलेक्शन और चीज़ें थी, तो
आप जो है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिए कि आपको कौन सा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।